नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। एक ही रात में दो गांव में हाथियों ने मचाया जमकर उत्पात। एक खपरेल घर ध्वस्त सहित फसलों को किया भारी बर्बाद। गुस्से में है गजराज। चीनिया थाना क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा आम ग्रामीण व किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि अभी तक कई गरीब परिवार घर से बेघर भी हो चुके हैं। वन विभाग दावा करती है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिलेगा, लेकिन बता दें कि पिछले साल भी थाना क्षेत्र के कई गांव में हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक पीड़ितों को कोई मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। वहीं बीती रात थाना क्षेत्र के पाले गांव व हेता कला गांव में हाथियों ने पहुंचकर जमकर तांडव मचाया। दर्जनों की संख्या में हाथियों ने पाले गांव में करीब 12 बजे रात में पहुंचकर किसान फूलवासी देवी बनवारी प्रसाद गुप्ता के एक एकड़ में लगी धान व मक्के की फसलों को रौन डाला तथा उन्हें खा गए। वहीं उक्त गांव निवासी पार्वती देवी का खपरेल घर भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे परिवार बेघर हो गया है। बता दें कि फूलवासी देवी का खपरेल घर पिछले साल भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन अभी तक इस गरीब लाचार परिवार को विभाग के द्वारा किसी भी तरीके की कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। वहीं हाथियों ने हेताड़ कला गांव में पहुंचकर 10 किसानों के खेतों में लगी फसल धान मक्का तेल सहित अन्य फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जिन किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है उनमें बुधन सिंह, गोवर्धन सिंह, बैजनाथ सिंह, तेजू सिंह, देवनारायण सिंह, महावीर कोरवा, विजय सिंह, शीतलाल सिंह, कवल पतिया देवी, सुरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। वहीं किसानों ने विभाग से जल्द मुआवजे की मांग की है। पूछे जाने पर प्रभारी वनपाल अनिमेश कुमार ने बताया कि हाथियों के द्वारा लगातार हो फसलों को बर्बाद करने की सूचना मिली है। उक्त गांव में विभाग की टीम ने पहुंचकर बर्बाद हुई फसल व क्षतिग्रस्त मकान का मुआयना कर रही है। पीड़ितों को सरकारी प्रावधान के हिसाब से निश्चित रूप से मुआवजे की राशि दी जाएगी। फिलहाल जब तक हाथी क्षेत्र से भाग नहीं जाते तब तक ग्रामीण सतर्क रहे। कितना की संख्या में हाथी था? 20 रख दिए, चार बचा। कितना दिन से है? 11 तारीख से लगातार। खाली मकई भर बर्बाद किया है कि धान वगैरह सब? कितना आदमी के लमसम किया होगा? 15-20 आदमी के खाइए गई होगा। मिलाप मेडिकल सेंटर, मदर एंड चाइल्ड केयर, शांति निवास स्कूल के नजदीक चिनिया रोड गढ़वा। यहां स्त्री एवं प्रसूति रोग संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के लिए डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।